सभी का एक बार फिर स्वागत है एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहानुद्दीन सिद्दीकी। बिहार की राजनीति में अब गहमा गहमी आरंभ हो चुकी है, अब वादे भी किए जा रहे हैं, करार भी किए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ है उसको भूल जाइए, हमने आपको किस प्रकार धोखा दिया है उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो हम वादे कर रहे हैं उनको सुनिए और उन वादों का लाभ उठाइए। आने वाले समय में क्या ये बातें जुमला होंगी? क्या बिहार के विधानसभा चुनावों के बाद यह जो बातें मैं कह रहा हूं क्या वह जुमला साबित होंगी? यह एक चुनौती है जनता के सामने। राजनीतिक दल तो वादे करते ही रहेंगे लेकिन जनता के सामने यह चुनौती है, वह उन वादों में फंसती है या फिर नहीं। JDU नीतीश कुमार अब वह वादे करते नजर आ रहे हैं जनता के साथ। जिस तरह उन्होंने लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन तोड़ दिया था वह काफी असहनीय हुआ था बिहार की उस जनता के लिए जिन्होंने नीतीश कुमार को वोट सिर्फ इस वजह से दिया था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ चुनाव लड़ा जा रहा था। वह जनता काफी असंतोष में थी, उनके साथ धोखा हुआ था, उन मतदाताओं के साथ। क्या नीतीश कुमार यह कह रहे हैं कि उन बातों को आप भूल जाइए? विधानसभा चुनाव आने वाले हैं बिहार के, 1 वर्ष के भीतर वह चुनाव भी आ जाएंगे, लेकिन क्या नीतीश कुमार की उन बातों को भुला दिया जाएगा? जो वादे वह कर रहे हैं क्या उनके साथ उन्हें पश्चाताप भी करना चाहिए था? अपनी उस गलती को मानना चाहिए था जो वह 5 वर्ष पूर्व कर चुके हैं या फिर दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भी करने जा रहे हैं और हम यह माने कि कर दी है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके। नीतीश कुमार यहां पर अति पिछड़ा जो वर्ग होता है अब उसका कार्ड खेलते नजर आ रहे हैं, उनके लिए तमाम वादे भी कर रहे हैं लेकिन क्या यह वादे पूरे किए जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह जुमले पेश किए थे 2014 में 2019 में, क्या यह भी जुमले तो नहीं रह जाएंगे? क्या यह भी तो जुमला नहीं है? क्या अति पिछड़े वर्ग को भी अब फंसाया जा रहा है नीतीश कुमार द्वारा या फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें यह सुझाव दिया है कि आप जाकर बिहार में इस तरह के वादे कीजिए, आपकी जीत तय होगी? जिस तरह भारतीय जनता पार्टी भी आदिवासियों की राजनीति करती नजर आई थी, आपको याद होगा झारखंड के चुनावों में, यहां नीतीश कुमार भी अब वही बातें कह रहे हैं और क्या वादे कर रहे हैं आइए हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में अब रोजगार के लिए 5 लाख रुपए बिना ऋण ब्याज का ऋण मिल प्राप्त होगा और 5 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से अनुदान होगा, यानी 10 लाख रुपए प्राप्त होंगे यदि आप रोजगार करना चाहते हैं। नीतीश कुमार करवाएंगे ये प्राप्त। 5 लाख में आपको ब्याज देना होगा और 5 लाख पर ब्याज नहीं देना होगा, अतः ये रुपये 10 लाख पूरे ही लौटाने पड़ेंगे आपको, लेकिन सिर्फ 5 लाख में ही आपको ब्याज लगेगा और प्रशिक्षण के लिए भी अलग से व्यवस्था की जाएगी, यह वादा करते आ रहे हैं करा है नीतीश कुमार ने। लेकिन उस 5 लाख में कितना ब्याज लगने वाला है यह भी उनसे पूछ लेना चाहिए आपको, क्योंकि जो तकनीकी खामियां होती हैं वह पूरी कर दी जाती हैं बाद में। 5 लाख रुपए में कहीं इतना ब्याज तो नहीं लिया जा रहा है कि आपके 5 लाख रुपए अनुदान है वो भी लपेटे में आ जाए? कहीं ऐसी बातें तो सामने नहीं आ रही हैं? फिर और भी क्या वादा करते हैं? अति पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति में अब उन परिवारों को भी शामिल करने की बात कर दी है जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए है। पहले अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो यह सीमा थी वह 1.5 लाख रुपए थी। यदि आपकी अति पिछड़ा वर्ग की सालाना आय 1.5 लाख रुपए थी तभी वह मेडिकल कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रवृत्ति प्राप्त कर पाता था, लेकिन अब यदि 2.5 लाख रुपए भी है यानी कि 1 लाख रुपए सीमा बढ़ा दी है तब भी वह छात्रवृत्ति प्राप्त कर पाएगा। हम आपको बता दें कि अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों को भी 2.5 लाख रुपए की छूट दी जाती है, जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए है उन्हें भी यह छात्रवृत्ति प्राप्त हो पाती है। तो अब नीतीश कुमार ने यह 2 बड़े वादे किए हैं, एक तो 10 लाख रुपए रोजगार के लिए उपलब्ध करवाएंगे और अति पिछड़ा वर्ग के लिए यह रकम बढ़ा दी है, सालाना जो पहले 1.5 लाख रुपए थी अब 2.5 लाख रुपए कर दी है। यदि वह 2.5 लाख रुपए कमाते हैं तब भी उनको मेडिकल जो संस्थान है इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वह मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है उसमें छात्रवृत्ति वे प्राप्त कर पाएंगे। यह एक अच्छी योजना है
हम इसको अच्छी योजना बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन यह योजना तब अच्छी साबित होगी जब आप इसे वाकई में लागू कर देंगे, यह जुमला नहीं होगी। जिस तरह से वादा किया जा रहा है बिल्कुल उसी तरह से पूरा होगा। लेकिन बिहार में और भी समस्याएं हैं रोजगार को लेकर, उसके संबंध में अभी आपने कुछ नहीं कहा, हो सकता है आने वाले समय में कहें भी, लेकिन उस संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। अति पिछड़े वर्ग की बात चल रही है यहां पर, जो एनआरसी के घेरे में आ सकता है, उस संबंध में भी आपने कोई बात नहीं कही। अति पिछड़े वर्ग को यदि हम देखेंगे तो उसके पास 1971 के दस्तावेज या प्रमाण पत्र मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत ही एक लंबा समय अभी नहीं हुआ है जब ज़मीनें खरीदना आरंभ करी हैं पिछड़े वर्ग ने, अति पिछड़े वर्ग ने, अनुसूचित जाति जनजाति ने, अभी बहुत लंबा समय नहीं बीता है। काफ़ी ऐसे आदिवासी समाज के लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई आरंभ कर दी है, लेकिन उनके पास भी अभी दस्तावेज मौजूद नहीं होंगे। उस संबंध में नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं बोला है। नीतीश कुमार के वादों को लेकर आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। तब तक के लिए ज़्यादा चाहूँगा, धन्यवाद।